चांदनी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन गिरफ्तार। जी हां, अदालत ने नाहिद हसन को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन। नाहिद हसन पर दर्ज है कई मुकदमे। पुलिस ने नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दरअसल गैंगस्टर के केस में फरार चल रहे थे नाहिद हसन और कई और मुकदमे भी नाहिद हसन पर दर्ज है। इसी कड़ी में पेश किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नाहिद हसन को भेजा गया है। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशी की गिरफ्तारी और नेताओं की धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि भाजपा 100% हताश है। उत्तर प्रदेश के एक भी ग्रामीण या उप शहरी क्षेत्र में बीजेपी नहीं जीत रही है और केवल एक शहर की सीट को सुरक्षित समझ रही है, पर अब की 99% शहरी वोटर भी बीजेपी के खिलाफ है।